मेरा नाम कीर्ति सुतार है। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेमली कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मैं आज आपको विंड टर्बाइन माने पवन चक्की के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। पवन चक्की के बारे में जानने के लिए हमें दो चीज़ों का ध्यान होना चाहिए। पहला, ये बनता कैसे और दूसरा, ये काम कैसे करता है। तो हम इसको बनाने के लिए हम इसके बेस माने इसके नीचे का जो भाग होता है उसके बारे में जानेंगे। इसको कैसे बनाते हैं और क्यों बनाते हैं, कैसा ऐसा क्यों बनाते हैं। पवन चक्की का जो बेस होता है उसको कई भागों में बांटा जाता है, जो उन भागों को स्क्रू से कस दिया जाता है, एक दूसरे के ऊपर के से कस देते हैं, जिससे कि ये आराम से बन भी सके। अगर हम इसको ठोस यानी सॉलिड बनाएंगे तो इस पर कंक्रीट भी बहुत ज़्यादा लगेगी और इसको बनने में वक्त लगेगा। और हम इसको जो खोखला, इसको अंदर से खोखला भी रखेंगे, इसके दो फायदे। खोखला रखेंगे तो इसके अंदर की जो इस पवन चक्की से जो करंट बनेगा उसकी केबल बाहर से नहीं अंदर से उतार सकते, और वो करंट का केबल अच्छी आराम सुरक्षित भी रहेगी और उसका कोई खतरा नहीं रहेगा। और कभी भविष्य में इसकी पंखा खराब हो जाए, इसको सही करने के लिए हम कभी ऊपर जाएंगे कैसे, तो इसके अंदर एक सीढ़ी भी बना देंगे, सीढ़ियाँ बनाएंगे और नीचे बेस के वहाँ दरवाजा रख देंगे। उस दरवाजे से हम सीढ़ियों से चढ़कर देख सकते हैं कि पंखे में क्या खराबी है। और पंखे पवन चक्की की जो एक पंखुड़ी होती है उसकी ऊंचाई 5 से 6 फीट की होती है। अब मैं आपको बताऊंगी ये पवन ऊर्जा बनती कैसी है। बढ़ती वायु से उत्पन्न ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा कहते हैं वायु एक नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत है। पवन ऊर्जा बनाने के लिए वायु ऊर्जा जगहों में लगाया जाता है, जिनके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। दुनिया में पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भारत का चौथा स्थान है और इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। वायु ऊर्जा उत्पादन को के का सिद्धांत पवन ऊर्जा उपयोग करने के लिए पवन चक्की ब्लेड को घुमाने के लिए और फिर उस गति परिवर्तक के माध्यम से जनरेटर बिजली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, रोटेशन की गति को बढ़ावा देने के लिए है। पवन चक्की वे उपकरण है जो वायु की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। पवन चक्की को बड़ी खुली हवादार जगहों पर लगाया जाता है। हवादार जगह लगा विद्युत उद्देश्य विद्युत उत्पादन के लिए पवन चक्की को की घूर्णन गति का उपयोग विद्युत जनरेटर को घुमाने के लिए किया जाता है। वाणिज्य उद्देश्यों के लिए पवन चक्की को खुली बड़े क्षेत्रों में लगाया जाता है, जिसे पवन ऊर्जा कहते हैं। इसमें लगने वाला खर्च और उपाय। परंपरागत विद्युत जनरेटरों में पूंजीगत लागत कम होती है, इसमें ईंधन लागत भी कम होती है, इसमें प्रचालन और रखरखाव की लागत भी कम होती है, क्षमता वृद्धि भी बहुत कम होती है, वैश्विक समाचारों और पर्यावरण को भी कोई हानि नहीं होती है। अब मैं आपको बताऊंगी ये काम कैसे करता है। जब वायु अपने तेज वेग के साथ इस पंखे से टकराती है तो ये पंखा घूमता है और इससे जो करंट बनता है वो इस बैटरी में इकट्ठा होता है और ये बैटरी से हमारे शहर में बिजली पहुँचाती है, जो कहाँ पहुँचती है, ये रोड लाइट्स, मकानों में, विद्यालयों में और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में। अब ये बताऊँगी चालू कैसे होता है। जैसे ये हवा अंदर गई तो इधर से बिजली बनी और ये इधर आ गई करंट, तो जिससे ये सारी लाइट्स वगैरह चल गई। धन्यवाद।